हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप लोग ठीक होंगे, पर मैं देखो आज क्या कर रही हूँ। तो चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। पहले मैं तो चाय से स्टार्ट कर रही हूँ, जैसा कि सब लोग करते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी करती हूँ। तो चलिए आप लोग भी चाय पी लीजिए। पहले मैं मम्मी जी को दे देती हूँ चाय। और आज का ब्लॉग मैंने कुछ अलग है। आज मैं क्या करने जा रही हूँ, कुछ दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी, आप लोगों को प्रॉब्लम बता ही था। तो अभी दुर्गा पूजा आ गया है ना, तो हम देखो मेरे हाथ में क्या सब है, मट्टी है, जा रहे घर को पोतने के लिए, छछारने के लिए इसे, क्योंकि हम लोगों को मट्टी से ही किया जाता है सब कुछ। तो आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में और देखते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं गोबर और मिट्टी सान रही हूँ। मैं ये रात में फूलने के लिए दे दी थी। गोबर मिट्टी सान के घर ले जाऊँगी और जहाँ जहाँ पे मतलब कि फटा हुआ है, दरार लगा हुआ है ना, वहाँ पर साट दूँगी, क्योंकि बहुत जगह फट गया है। ऐसे में सांप वहाँ पाने का डर रहता है। तो मेरा जितना जगह भी था ना, मैं पहले सबको कवर कर ली, उसके बाद ये मैं मिट्टी भी फूलने के लिए दे दी थी। तो ये मैं इसको छछार रही हूँ। इसको हम लोग मट्टी क्या करें, हम लोगों का मट्टी का घर है ना, तो हम लोग चाहते हैं कैसे हमारा घर वाइट रहे और अच्छा रहे। घर जैसा भी हो साफ़ सुथरा करना ही पड़ता है। हर हफ्ते में घर में झोल हो जाता है, वो झाड़ू ऐसे घर में। और जब भी कोई त्यौहार होता है, जैसे कि आज 1 तारीख है और कल 2 तारीख है, तो कल से दुर्गा पूजा स्टार्ट है। तो हमारा ये भगवान वाला घर है ना, तो साफ़ सुथरा तो बनता ही है। और वैसे भी जितना भी साफ सुथरा घर रहता है ना, तो देखने में अच्छा लगता है। तो मिट्टी से ऐसे कर देते हैं ना, उसके बाद सूखने के बाद देखिएगा घर का क्या चमक आ जाता है। और मैं थक भी जा रही थी, क्योंकि हाथ ऐसे में दुख जाता है, मतलब कि जैसे पेंटिंग नहीं करते वैसे करना आता है। जिसका मिट्टी का घर होगा ना, उसी को समझ में आएगा, जिसका प्लास्टर का होगा उसको तो नहीं समझ में आएगा ये सब। लेकिन बहुत से लोगों का ऐसा है, ऐसा बात नहीं है, बहुत से लोगों का ऐसा होगा, लेकिन बहुत कम लोगों का ऐसा होगा, ज़्यादा लोगों का नहीं रहता, बहुत कम लोग ऐसे में शामिल हैं, और उसमें से मैं भी एक शामिल हूँ। तो उधर का हो गया, अब मैं इस साइड का कर रही हूँ। और उस साइड का जो सामान और आप देख रहे हैं ना, वो पूरा सामान उतार के करना पड़ेगा। तो देखते रहिए आप लोग, बस बिना स्किप किए और मेरी मेहनत को रंग लाइए आप लोग। मैं बहुत दिनों से वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद कमेंट करिए। आप लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करिए। बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे, जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं मुझे। मैं उनको रिप्लाई भी देती हूँ। और एक ज़रूरी बात बता दूँ मैं आपको, मेरे जैसे कि मेरा सिम बंद ही हो चुका है, मैंने सिम बंद करवा दिया है, तो मैंने अभी नया सिम नहीं लिया है। तो मैं जैसे तैसे करके ब्लॉग बना रही हूँ, और किसी और के मतलब कि वाईफाई लेके मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो कोई लोग ये मत सोचना कि ये मेरे वीडियो में क्यों नहीं आ रही है। आप लोग देख रहे हो ना, मैं किसी का वीडियो जल्दी लाइक भी नहीं कर पा रही हूँ, कमेंट का जवाब भी नहीं दे पा रही हूँ, और तो और मैं लाइव भी नहीं आ रही हूँ। कल मंगलवार था, तो मैं सॉरी मंगलवार के दिन मैं लाइव भी नहीं आई प्रॉब्लम की वजह से। तो आप लोग ने ये मत सोचना, ठीक है। और बातों में सब कुछ हो गया मेरा, तो मैं सोची बांस भी साफ़ कर दूँ। बांस बहुत गंदा हो गया था, झोल झाड़ी ना, देखिए उसको थोड़ा सा कपड़ा से भिगा के साफ़ कर रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। देखिए बांस साफ़ कर देने तो थोड़ा चमक गया, अब देखने में ना घर बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं पूरा बांस ऐसे करके साफ़ कर दी, पंखा भी साफ़ कर दी। और इधर बांस वांस हो गया, तो पंखा भी साफ़ कर ले रही हूँ मैं। पंखा भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं सोची सब कुछ कर ही रही तो इसको भी साफ़ सुथरा कर ही लूँ। उसके बाद बेड पे गिर गया है ना पूरा मिट्टी का छीटा छीटा, तो बेड और भी पोछ लूँगी मैं सब कुछ। सामान और भी, सामान भी उस हाथ से छुई ना, तो सामान भी पूरा वाइट वाइट गंदा हो चुका था। मोबाइल का हाल तो एकदम से ही बेकार था मेरा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए पूरा घर हो गया ये मेरा। आज पूरा दिन लग गया था मुझे काम करने में, देख रहे कितना वाइट लग रहा है। सब जगह में सामान भी जैसा था ना, वैसे ही करके रख दी। और इधर देखिए गीला लग ही रहा है, क्योंकि इधर मैं जस्ट अभी की हूँ। और मैं सोची आप लोगों को दिखा दूँ पहले कि कैसा लगता है। ये देखिए बेड वेड साफ़ कर ली, इधर पूरा मतलब कि सूख गया है, पंखा चला दी तो बस बिस्तर करना रह गया है। और नीचे देखिए कितना वाइट लग रहा है, एकदम से ही सूख गया है। मैं नीचे भी पूरा लिपाई पोताई कर ली, और देखिए गीला गीला है, क्योंकि वो था ना इसलिए सूख गया। और इधर बाबू लोग ना सो गए, मतलब कि मैं इसको सुला दी थोड़ा ही हल्का बिस्तर करके। मैं सोची ऐसे कैसे सोते,
तो हल्का बिस्तर करके मैं सुला दी और मैं चली आई थी नलके पे। देखो बाबू मेरा कैसा सो रहा है। बच्चे को सुलाना ज़रूरी रहता है दोपहर में, वरना बहुत तंग करते मुझे ये काम करते समय। और इधर ये शाम हो गया काम करते करते, मतलब कि 5 बज रहा है, 4-5 बज रहा है। तो मैं कपड़े वपड़े धो के मतलब कि पसार रही थी अब ऐसे। तो दोस्तों देखो, हम मतलब कि कोई त्यौहार आता है तो बहुत काम करना पड़ता है, और करना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी हमने ये नहीं कि नहीं कर सकते हैं, करना ही होगा क्योंकि हम घर की औरतें हैं। तो घर की औरतों को सब कुछ देखना पड़ता है, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी मौसम हो, कितना भी तबीयत ख़राब हो। और इधर मैं साग उगाई थी ना, तो इधर मैं सोची शाम पानी डाल दूँ इसमें, क्योंकि जब हम पानी डालेंगे तो छोटा छोटा हो जाता है, जल्दी ग्रोथ होता है इसका पानी से। तो इधर मेरा ये काम ख़त्म हो गया मतलब कि, और बाबू बाल्टी ले जा रहा है देखिए, तो ये पानी भर रहा है। इसने मुझे देखा था ऐसे पानी भरते हुए, तो ये भी ऐसे पानी भर रहा है, आधा नीचे जा रहा है, आधा बाल्टी में जा रहा है, और आधे से ही अपना कपड़ा पूरा ही भिगा चुका था। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करें, प्यारा प्यारा कमेंट करें, और शेयर तो ज़रूर करें। आप लोग शेयर करोगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब कल के ब्लॉग में, और इंतज़ार करिए मेरे कल का ब्लॉग का। ओके बाय।